नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। गणतंत्र दिवस के ठीक कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था इंडिया गेट के सर्कल के अंदर खाली कॉलोनियल छतरी के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित की जाएगी। जब तक ग्रेनाइट की मूर्ति नहीं बन जाती तब तक उस पेडेस्टल पर होलोग्राम स्टैच्यू प्रेजेंट रहेगी। इस होलोग्राम इमेज का अनावरण या फिर इनॉग्रेशन मोदी जी ने 23 जनवरी को किया, जो नेताजी का 125वां जन्म दिवस था। सबसे पहले हमें एक बात पर गौर फरमाने की जरूरत है, इस छतरी का क्या इतिहास है। 1968 से अब तक 54 सालों में यह जगह क्यों खाली रही। इस कॉलोनियल कैनोपी की बात करने के पहले लेकिन एक बात मेंशन करना जरूरी है, अलग अलग साम्राज्यों में प्राचीन काल से ही राजा महाराजा स्टैचूज को प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। विश्व स्तर पर स्मारक, मूर्तियां और सार्वजनिक पार्क या कोई स्थल किसी भी काल के शासन की राजनीति का प्रतीक होता है या फिर होते हैं। ये मेमोरियल्स नागरिक स्थान, इतिहास और पॉपुलर मेमोरी पर छाप छोड़ने के लिए स्टेट के प्रयास को अंडरस्कोर करते हैं। भारत में लगभग सभी कॉलोनाइज्ड राष्ट्रों की तरह ब्रिटिश रूलर्स, नेताओं और उनके अधिकारियों की मूर्तियां को स्थापित करने की जो प्रथा है वो जल्दी ही शुरू हो गई थी। सबसे पहली कॉलोनियल मूर्ति गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की थी और इसे भारतीय उपमहाद्वीप में 1800 साल में भेजा गया था। ऐसा अनुमान है कि 1927 तक, जब दिल्ली को इंपीरियल भारत के आर्किटेक्चरल सिंबल के रूप में तैयार किया जा रहा था, तब तक भारत में ब्रिटिश हस्तियों के करीब 170 मूर्तियां स्थापित की जा चुकी थी। अगस्त 1931 में नई दिल्ली का औपचारिक रूप से उद्घाटन ब्रिटिश इंडिया की राजधानी के रूप में हुआ। उसके दो दशक पहले 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज द फिफ्थ ने दिल्ली में अपने शाही दरबार की अध्यक्षता की थी। 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के 3 साल के बाद उनकी मूर्ति को एक छतरी के नीचे इंडिया गेट के निकट स्थापित किया गया। ध्यान देने योग्य है, उस वक्त तक सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को ब्रिटिश इंपीरियल आर्किटेक्चर का एपिटोमी माना जाने लगा था। इस सड़क को बाद में अंग्रेजों ने किंग्सवे कहा और आजादी के बाद भारत सरकार ने इसका नामकरण किया और राजपथ कहा जाने लगा। अब आप जानते ही हैं, इस सड़क पर चल रहे प्रोजेक्ट को पुनः सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट कहा जाने लगा है। तो क्या ये इंडिजिनस पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म का एक विकृत प्रतीक बन गया है? 1939 से 1947 के बीच किंग्सवे के एक छोर पर वाइसरॉयज हाउस था, तो वहीं दूसरे पर इंडिया गेट और उसके ठीक पीछे जॉर्ज द फिफ्थ की मूर्ति। वाइसरॉयज हाउस को आजादी के बाद राष्ट्रपति भवन कहा जाने लगा था। डीकॉलोनाइजेशन के बाद बहुत राष्ट्रों में इंपीरियलिज्म के सिंबल्स और स्टैचूज को हटाए गए थे, ध्वस्त किए गए थे। इंडोनेशिया, जिसे 1949 में द नेदरलैंड से स्वतंत्रता मिली थी, वहां डच गवर्नर जनरल्स की मूर्तियों को लेबर लगाकर ध्वस्त किए गए थे।
समकालीन इतिहास में ऐसे दृश्य हमने बहुत देखे हैं, जैसे सद्दाम हुसैन का टॉपल्ड स्टैचू। 1951 में अमेरिका के भारत में दूत चेस्टर बाउल्स ने टिप्पणी की थी, उन्हें हिंदुस्तान में एक स्टार्टलिंग कॉन्ट्रास्ट दिखा था इंडोनेशिया के तुलना में। 1958 और 59 तक स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ था। उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैरल्ड मैकमिलन और अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर आए थे 58 और 59 में। आइजनहावर ने लौटने के बाद टिप्पणी की थी, आई कुड नॉट बट हेल्प वंडरिंग वेदर वी इन आवर अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस वुड हैव टॉलरेटेड अस अमंग अस अ स्टैचू ऑफ किंग जॉर्ज द थर्ड। स्वतंत्रता के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच विद्वेष की एब्सेंस महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के कारण था। नेहरू ने दिसंबर 1956 में लिखा था, गांधी जी ने हमेशा सलाह दी, हम एक सिद्धांत के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं, हमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ब्रिटिश लोगों से नहीं, उनसे फ्रेंडली रहिए। हालांकि भारत सरकार विनम्र रही, लेकिन राष्ट्रवादी डिसीशंस लेने से कतराती नहीं थी। जनवरी 1957 में गणतंत्र दिवस पर ब्रिटिश हाई कमिश्नर नाराज हो गए थे। कारण सिंपल था, परेड में झांसी की रानी की वीरता को दर्शाती हुई एक बड़ी टैब्लो शामिल थी। उस वक्त तक सांसदों ने पूछना शुरू कर दिया था, सरकार का ब्रिटिश मूर्तियों के बारे में क्या करने का इरादा है। केंद्र ने राज्य सरकारों से अपने क्षेत्रों में स्टैचूज के भविष्य के बारे में फैसला करने को कहा। नेहरू ने 1957 में विदेशी मूर्तियों, खास तौर पर दिल्ली में, उस पर केंद्रीय सरकार का पहला बयान दिया था। There are various kinds of statues. Some may be considered historical, some may be considered artistic, and some may be considered, well, rather offensive. Our general attitude has been, first of all, to remove such as might be considered offensive, and that too gradually, without making too much fuss and without doing anything to raise ill will between the two countries. Nehru ke mrityu ke samay tak Delhi ke 13 British statues mein se 8 nahi hataye gaye the. Iske piche Nehru ne Britain ke saath जो अच्छे संबंध बनाए रखे थे, ये कारण शायद रहा होगा। 1964 के अंत तक कुछ और मूर्तियां हटाए जा चुकी थी। जो चार बची थी, उनमें से सबसे ऑफेंसिव जॉर्ज द फिफ्थ का था। कई संसद सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि यह बहुत शर्मनाक बात है कि जॉर्ज द फिफ्थ की प्रतिमा आजादी के 17-18 साल बाद भी वहीं के वहीं है। 13 अगस्त 1965 की रात को विरोध प्रदर्शन में 12-14 अज्ञात संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मूर्ति के नाक कान तोड़ दिए, फिर भी ये बुत 1968 के अंत तक वहीं रहा। उसके बाद इसे हटाया गया और अंततः 1911 के दरबार की साइट, जिसे आज कॉरोनेशन पार्क कहा जाता है, वहां रखा गया। यह पार्क अब कॉलोनियल एरा की मूर्तियों का एक सिंबॉलिक कब्रिस्तान, या फिर यूं कहिए टावर ऑफ साइलेंस है। भारत की राजधानी को 1970 तक विदेशी शासकों की मूर्तियों से मुक्त करा दिया गया था। मिड 1950 से ब्रिटिश स्टैचूज हटाने के साथ साथ हिंदुस्तानी राष्ट्रीय नेता के बुतों को उन खाली पेडेस्टल्स पर लगाने का प्रोसेस शुरू हो गया। दिल्ली में
इस पर निर्णय के लिए पहली समिति का गठन भी 1957 में किया गया था। लेकिन इन मूर्तियों का निर्माण जनता के चंदे से किया जा रहा था। 1964 तक केवल सरदार पटेल और मोतीलाल नेहरू की मूर्तियां ही स्थापित की गई थी। सांसदों की मांग पर सरकार ने 1965 में घोषणा की, दान के माध्यम से महात्मा गांधी की एक मूर्ति बनाई जाएगी। डिबेट के बाद फरवरी 1969 में लोकसभा में घोषणा की गई, इंडिया गेट के पास सरकारी खर्चे पर गांधी जी की एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी, लेकिन कोई और डिटेल्स नहीं प्रदान किए गए। डिस्कशंस शुरू हुए, गांधी की प्रतिमा कहां रखी जानी चाहिए, जॉर्ज द फिफ्थ की मूर्ति जहां थी या कहीं और। इस बहस में सांसद, अन्य राजनीतिक नेता, सिटी प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स, कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स, इतिहासकार और अन्य एकेडमिक्स शामिल थे। समिति ने अंततः सिफारिश की, गांधी जी की प्रतिमा को उस छतरी के नीचे नहीं रखा जाना चाहिए। तीन कारण बताए गए। एक, गांधी जी ने ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया था और उनके लिए वो जगह नहीं होना चाहिए जहां ब्रिटिश सम्राट का स्टैचू होता था। दूसरा, गांधी स्टैचू का अलाइनमेंट सेम नहीं होना चाहिए जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया था। तीसरा कारण, गणतंत्र दिवस पर जब सैनिक मार्च पास्ट करेंगे और सलामी देंगे तो गांधी जी को समारोह को सिंबॉलिकली अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए वहां, जो कि बैठे हुए वे सिंबॉलिकली करेंगे। ये शायद लोगों को लगा उनके नॉन वायलेंट फिलॉसफी और भारतीय मिलिट्री डिस्प्ले के बीच एक कॉन्ट्रडिक्शन को अंडरस्कोर करता। ये बहस 1970s के दशक तक जारी रही, कई कमेटियां बनी। अंततः 1978 में 12 शीर्ष के मूर्तिकारों को, यानी टॉप स्कल्प्टर्स को, प्रपोजल्स सबमिट करने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उन्होंने छतरी और वो जो चारों खंबे थे उनको हटाने की बात की। कैनपी और चारों पिलर हटाने का सुझाव देते ही एक और बड़ी बहस छिड़ गई। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने भी इन चर्चाओं में हिस्सा लिया। 1989 तक मूर्ति का प्लास्टिक कास्ट पूरा हो गया था, सिर्फ कांसे की ढलाई बाकी रह गई थी। ताजा विवाद फिर उठ खड़ा हुआ। अखबारों में खबरें छपी, सरकार छतरी और खंभों को हटाकर गांधी जी की प्रतिमा को शाही आसन पर रखेगी। द कंजर्वेशन सोसाइटी ने पैनल डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया। ओवरवेलमिंग राय थी, कैनपी नहीं हटनी चाहिए। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने स्टेक होल्डर्स के साथ फिर मीटिंग बुलाई। दो व्यूज निकले। एक, कैनपी डिमोलिश नहीं करनी चाहिए। दो, गांधी जी की मूर्ति के लिए कोई और जगह तलाशी जानी चाहिए। कंसेंसस एमर्ज होने लगा, खाली कैनपी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म पर भारतीयों की जीत को सिंबॉलिकली हाईलाइट करेगा, उसे खाली ही रखा जाए। राइटली और रॉन्गली, अंततः यह निर्माण लिया गया, संसद में गांधी की मूर्ति स्थापित की जाएगी, वही जो बनाई थी राम सुतार ने, और छतरी अब तक खाली पड़ी थी। सबसे अहम बात यह है कि दशकों तक चली आ रही इस बहस और विवेचना एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट में हुई थी। इसके विपरीत
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय केवल कुछ चंद लोगों के साथ प्रधानमंत्री ने यूनिलैटरली लिया। मोदी जी गणतंत्र दिवस और संविधान की दुहाई देते हैं, परंतु रिपब्लिकन कैरेक्टर को वायलेट करते रहते हैं। गणतंत्र होने का पहला अर्थ यह है कलेक्टिव और एंटी मोनार्किकल होना। रिपब्लिक का मतलब यह भी होता है डिसीशन मेकिंग में पारदर्शिता होनी चाहिए। यह पूरा फैसला बिल्कुल ओपेक तरीके से हुआ है। कॉलोनियल राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष करने के बाद भारत आजाद हुआ था। आज उसी सिंबॉलिक छतरी के नीचे नेताजी की मूर्ति को विदाउट एनी डेमोक्रेटिक डिस्कशन से स्थापित किया गया है। तो क्या सवाल उठता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन व्यर्थ में था? नमस्कार, ये सवाल जरूर सोचिएगा।